Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 6. Class number 5 ke andar humne simple question ke answer karna sikha tha ki kis tarah se hum ha mein jawab denge aur kis tarah se na mein jawab denge. I hope so आप लोगों ने try किया होगा, उसको practice किया होगा और question भी बनाए होंगे और उनके फिर आगे yes no में answers भी किए होंगे. So guys, आज हम answers को ही understand करेंगे, लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि सवाल के अंदर से हम किस तरह से जवाब को निकालते हैं. Mean to say कि just जो question हमसे पूछा गया है उसी question के अंदर एक से दो लफ्जों के अंदर changing करके आप उसका answer किस तरह से बनाते हैं. देखिए, ज़्यादातर हमारे सवाल का जवाब हमारे सवाल के अंदर ही मौजूद होता है, just हमें एक से दो changes करके उसको answer में convert करना होता है. तो चले आए start करते हैं कि किस तरह से. So students, ये कुछ sentences हैं, कुछ questions हैं, तो चले आए देखते हैं कि हम इन questions के answer इन्हीं questions के अंदर से किस तरह से निकालेंगे. So क्या आप college जाते हैं? Do you go to college? Okay, so now we're gonna give the answer. तो आप देखेंगे इसमें यही सारा सवाल रहेगा, आपको डू की जगह यस या नो लगाने की ज़रूरत है. यस, अब देखिए इसके दो ही पॉसिबल आंसर है, या तो यस होगा या फिर नो होगा. सो इस यू को चेंज कर लेना आई में, बाकी अगला सारा सेम टू सेम यही रहेगा. हाँ, अगर आगे को प्रोनाउन आ रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बट प्रोनाउन चूँकि अभी डिटेल से हमने पढ़ा नहीं है, उसको अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं उस डिटेल में अभी फिल वक्त नहीं जाऊँगा, लेकिन अगली क्लासेस में इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपको बताऊँगा. सो यस आई, नेक्स्ट जो बकिया बचता है सवाल के अंदर सेंटेंस, वही सेंटेंस हम यहाँ पर लगा देंगे. सो यस आई गो टू कॉलेज. सो अगर आप इस आंसर को देखें तो हमने सिर्फ ये दो वर्ड चेंज किए, बाकी सारा वही सवाल वाला ही उठा लिया. अब इसी को अगर हम नो में कर दें तो यस की जगह लगाएंगे नो आई, और यहां पर आप डोंट लगाना पड़ेगा, नो आई डोंट गो टू कॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम डोंट लगाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? अब गाइस, यहां पर एक चीज याद रखनी है कि अगर सवाल के अंदर सब्जेक्ट यू आ रहा है तो उसको आई में चेंज करेंगे, और अगर सवाल में आई आ रहा है तो उसको यू में चेंज करेंगे. सो जैसे कि डू की जगह यस यू को, सॉरी आई को चेंज किया यू में, यस यू स्पीक English, yes you speak English. अब अगर no में यही answer करना है तो yes की जगह no लगा दें you, और आगे आपको पता है कि subject के बाद don't लगाना है. yes sorry no you don't speak English, no you don't speak English. next question is, क्या हम cricket खेलते हैं? Do we play cricket? अब इसके दो पॉसिबल मीन आंसर्स हैं, बट इसमें ये जो वी है ये या तो वी ही रहेगा या फिर इसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब देखना ये होगा कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है या आप खुद भी उसमें शामिल हैं. अगर तो वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है या अपने साथ जुड़े हुए कुछ और लोगों की बात कर रहा है, लेकिन आप खुद उसमें शामिल नहीं हैं, यानी कि जिस बंदे से सवाल कर रहा है वो बंदा उसमें शामिल नहीं है, तो फिर यू लगाएगा. अगर आप खुद भी उसमें शामिल हैं तो फिर उसमें आपको वी ही लगाना पड़ेगा. तो इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, एक तो आप ये कहेंगे सॉरी यस We play cricket. देखिए, we उस सूरत में होगा कि अगर जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है वो भी शामिल है, लेकिन अगर फर्ज करें वो बंदा खुद शामिल नहीं है तो इसकी जगह फिर हम we नहीं लगाएंगे बल्कि you लगा देंगे. Yes, you play cricket. Okay?
तो वी उस सूरत में होगा कि जिस बंदे से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, वो खुद भी इसमें शामिल हो, ठीक है। और अगर वो बंदा खुद शामिल नहीं है तो फिर वी नहीं लगेगा, बल्कि आप वी यू में कन्वर्ट कर देंगे। सर अगर नो में आंसर करना हो तो नो, वी या यू, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सो डोंट प्ले क्रिकेट, ओके, सो नो वी आर यू डोंट प्ले क्रिकेट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, डू दे रीड बुक्स, डू दे रीड बुक्स। सो डू की जगह यस, नेक्स्ट सेम टू सेम, दे रीड बुक्स। और अगर आप इसी को नो में लेके जाते हैं, नो दे डोंट रीड बुक्स। सो गाइस अब देखें कि हमने ये जो चार क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ एक शुरू में यस या नो लगाया है और आगे सब्जेक्ट को अगर ज़रूरत पड़ी है तो हमने जस्ट सब्जेक्ट को चेंज किया है। अब आगे मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस में चेंज होंगे और कौन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स ये वो वर्ड हैं जो कि आपके अगर सवाल के अंदर आ रहे हों तो आप उनको इन में चेंज कर देंगे। अगर आपके सवाल के अंदर यू आ रहा है तो उसको आप आई में चेंज कर सकते हैं या फिर वी में चेंज कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सवाल आप अकेले के बारे में पूछा गया या आप दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। अगर अकेले हैं तो आई यूज़ करेंगे जवाब में, और अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो फिर वी यूज़ करेंगे। अब अगर सवाल के अंदर आई आया तो उसको हम जवाब में यू में चेंज कर देंगे। अगर सवाल में वी आया है तो उसको वी में भी यूज़ कर सकते हैं और यू में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कि सवाल किसके बारे में है। यानी कि सवाल जो है वो जो बंदा पूछ रहा है वो सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है या उसने आपको भी शामिल किया। अगर सिर्फ अपने बारे में पूछ रहा है तो आप यू का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर आपको भी साथ शामिल किया है तो फिर वी का वर्ड यूज़ होगा। अगर सवाल में योर आ रहा हो तो उसको माई में भी चेंज किया जा सकता है और अर में भी चेंज किया जा सकता है। अगर सवाल में माई आ रहा हो तो उसको योर में चेंज किया जाएगा, और अगर सवाल में अर आ रहा हो तो जवाब में योर या अर इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स अगर इन में से कोई सब्जेक्ट आ रहे हैं तो फिर इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यस या नो क्वेश्चन के अंदर लगाना है। बाकी जो अगली स्टेटमेंट है या अगला जो सेंटेंस है उसको सेम एज इट इज़ जिस तरह वहाँ पर दिया गया सवाल के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम वही आपने इस्तेमाल करना है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। सो अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को 10 सवालात दे रहा हूँ जिनके आपने यस नो में आंसर करने हैं, और ये आंसर आपने बिल्कुल वैसे ही करने हैं जो तरीकाकार मैंने आपको अभी समझाया है। सो स्टूडेंट्स ये 10 सेंटेंसेस ये हैं, देख लें ज़रा। डू यू वॉच टी वी, डू दे लर्न इंग्लिश, डू वी यूज़ द कंप्यूटर, Do I sit here? Do you live in this city? Do we go to mosque? Do they go for morning walk? Do Asim and Amir study in this college? Do they work in this factory? Do you visit different parks? So guys, in sentences ko aapne English mein convert karna hai. To inshallah यही सेंटेंसेस जो है वो मैं अगली क्लास में बनाऊंगा। तो आपने अपने सेंटेंसेस देख लेने कि आया कि जो सेंटेंसेस मैंने बनाए और आपने बनाए आया कि वो सेम हैं या उसमें कोई कमी बेशी है। सो गाइस आई होप सो आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ गाइस अगर आप लोग इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। सो गाइस यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम सून। अल्लाह निगहबान।